आपके साथ। रूस और यूक्रेन के 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मैरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मोदी और ज़ेलेंस्की ने जंग के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। जयशंकर ने कहा, तेल खरीदने से जुड़ा फैसला मार्केट की हालत के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इससे पहले मोदी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।